का फूहर बना दावा। ए फूहर ना है हमार धर्म पतीली है। ए बदतमीज, धर्म पतीली नहीं धर्म पति। ए हमारी धर्म पतीली है, मैं धर्म पतीला है। हम लोग मियाँ बीबी है। अच्छा मियाँ बीबी है। तुम हमारी पतली, हम तुम्हारा मुटकवा। अरे पतली, तुम्हारा दिमाग तो सही है। अरे हमको नहीं के पतली दुबली लगा रहा। पत्नी पति, पत्नी यानी तुम हमारी पति हो, हम तुम्हारे पति। यार सब उल्टा हो रहा है, बदतमीज है। हम तुम्हारे पति हैं, तुम हमारी पत्नी हो। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमारे मुंह से फूहर शब्द निकल आया है। हाँ? हम आपको बताएंगे, हर गांव में एक आधी फूहर औरतें होती हैं। वो कैसे? लेकिन आप लोग पहचान कैसे करेंगे? कैसे? भलमानुष घर की जो पढ़ी लिखी शिक्षित औरतें होती हैं, वो ऐसा नहीं करेंगी। सिर्फ फूहर औरतें फर्स्ट वर्क यानी पहला काम करती क्या है, कहा दाल भात बनाए के फूहर आगे का सरकावा थी। के? के के? अपने भतार के आगे कहे ले हाइजा गाले ली लिया, कहे दाल भात बनाए के फूहर आगे का सरकावा थी। और उठ भिन सारे लिए उठ भिन सारे लिए अंगराई धीरे से खजुआवा थी। हुआ पहला काम। और एक काम और अच्छा कर ले थी। वो क्या? कहा घर में सिलबट्टा धरा रहा है। हाँ? और चटनी खूंदे मुसरे से। हाँ? लोलवा सिलबट्टा धरा रहा है, अगर चटनी खूंदे को तो मुसर हे रहे थे। अच्छा, और अपन मन से धू जियत रहे। अपन मन से धू जियत रहे और मतलब गांठे दूसरे से अपने पति को क्या कहती है पत्नियाँ? कहो मेरी श्रीमती भगभगा देवी। कहो मेरे बेटे। हम तो आज बेटवा हैं। और क्या? अम्मा का देख लियो लपलपाए रहे, बेटवा झंडिया रहे। हम तुम्हारे बेटे हैं। हाँ तुम मेरे बेटो, अगर हमारी हम पर विश्वास नहीं करते हो ना, हमारे पुनीत शर्मा जी बैठे उनसे पूछ लीजिए। अरे भैया, तुम हमारे बेटे हो। हम तुम्हारे बेटे हैं। हाँ तुम मेरे बेटे हो। वाह अम्मा, अम्मा लफलफा रहे हो कहे? ये क्या बदतमीजी है? हाँ लगाओ जी। वाह, हम तुम्हारे बेटे हैं। हाँ है? ओ बेटवा ठीक है। अम्मा कहाँ रहा मोर लाल? कहूँ नहीं है, लाल एकदम काला हो रहा। हाथ का लगा रहा तुम्हारी माँ। हाँ लगाओ जी, हम बेटवा ही चाहे जहाँ हाथ लगाए। नहीं हाँ? आय मोर लाल, लाल एकदम काला हो रहा है। आय मोर पूत, पूत ना है हरामी मूद है। कहाँ रहा बेटवा? कहूँ नहीं अम्मा। दूर से बात करो, हम तुम्हारे बेटे हैं। हाँ बिल्कुल, तुम हमारी माँ हो। हाँ ठीक है, हम पूरे जनता पूरे समाज के सामने हम तुम्हें अपनी माँ कबूल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल तुम्हारी माँ हूँ मैं। हमारी माँ हो। हाँ ठीक है, लेकिन एक चीज जान लीजिए। क्या? हम तुम्हारे बेटे हैं। हाँ लाफ हम का दुदुफिया। आओ अम्मा बनेगा सौखियान, हम लड़का भूखान है, हमका जुजू पिया। क्या पियोगे? जुजू। क्या जुजू? ये पागल है क्या? पागल के बाप है। क्या पियोगे? जुजू। दुद्दू नहीं, दुद्दू। हाँ जुजू। कौन सा पियोगे? वही वाला। कौन सा? वही वाला। मैं समझ गई, कौन वाला? आप डिब्बे वाला पियेंगे ना? डिब्बा वाला नहीं तो पीपा वाला। तो कौन सा पियेंगे? नहीं पीऊंगा। कौन सा पियेंगे? वही वाला। कौन सा? वही वाला। समझ गई? समझोगी, वो मुंडा हुआ समझ रहा है। मैं भी समझ गई। कौन वाला? आप बकरी का पियेंगे। बकरी का कहा हूँ, आंडू खसी हैं। बकरी का दूध नहीं पीऊंगा। तो वही वाला। कौन सा? निपुल वाला। कैसे? डिपरी ही टूट जाएगी। जवाब खाओ। और बताइए क्या होना चाहिए बेटवा? खोपड़ी खराब है, कहाँ दई माजी। चलिए आई चलते हैं। कहाँ चले हो? पुनीत शर्मा के यहाँ। कहाँ करे चलियो हुआ? पहले गाना सुनाओ, उसके बाद फिर चलेंगे। चलिए आओ सुनते हैं गाना। कोई गाना सुनाइए। ए मियां इधर आइए। आइए तो सही। कहना क्या है? क्या? अरे जब मैं आई सुहाग वाली रात रे। ए, ए, है, है।
तुम्हारी शादी हो गई क्या? और क्या यार, इतने देर से जुगाड़ लगा रहे, सब बेकार है। शादी हो गई? हाँ बिल्कुल हो गई मेरी शादी। तुम्हारी शादी हो गई? हाँ शादी हो गई, बिल्कुल हो गई। सुहागरात भी हो गई होगी? नहीं अभी नहीं हुई। हाँ ये कैसे मान लूँ, शादी हो गई तुम्हारी सुहागरात नहीं हुई? नहीं हुई। क्यों, शादी में गई? हाँ गई। अपने घर गई? हाँ अपने घर गई। अपने मियाँ जी के, अपने पति जी के, अपने भतार के घर गई? हाँ घर गई। अपने भतार के घर गई? हाँ। वहाँ कमरे में गई? हाँ गई। कमरे में गई? हाँ गई। तब तो हुआ होगा। क्या हुआ होगा? कमरे में गई? हाँ गई। खटिया पे बैठी? हाँ बैठी। खटिया पे बैठी? हाँ बैठी थी। और लाइट बंद किया? हाँ बंद किया लाइट। तब तो हुआ होगा यार। क्या हुआ होगा? कुछ तो हुआ होगा। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? नहीं। ऐसे कैसे मान लूं यार, तुम शादी में गई, कमरे में गई, हाँ? खटिया पे बैठी, बिल्कुल बैठी, लाइट बंद किया, हाँ? फिर भी कुछ नहीं हुआ, ऐसे कैसे मान लूं? नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, कुछ तो हुआ होगा। हुआ था। क्या हुआ? जब मैं अपने पिया जी के घर गई थी तो हुआ क्या था? क्या हुआ? उन्होंने मेरी चुंदरी उतारी। अरे भाई, चुंदरी उतारी? हाँ चुंदरी उतारी। स्टार्टिंग स्टार्टिंग वहीं से तो शुरू होता है। क्या जो होने वाला है आगे, चुंदरी उतारी? हाँ उतारी। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। जब तुम्हारे मियाँ जी ने चुंदरी उतारी कुछ हुआ होगा? कुछ नहीं हुआ। और आगे कुछ हुआ होगा मियाँ जी? आ, हुआ था। क्या हुआ था? जब मेरा आदमी मेरे पास आया ना, उसने मेरी चोली उतारी। अरे भाई, पहुंच रहा है। चोली उतारी? हाँ चोली उतारी। चोली उतार कर उसने अपना चोला कसा होगा। चोली उतार कर चोला, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ, बस यही कुछ नहीं हुआ। जब चोली उतारी तो कुछ हुआ होगा। कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ होगा? नहीं हुआ। जब चोली उतारा उसके आगे कुछ हुआ होगा मियाँ जी? हुआ था। क्या हुआ? जब मेरा आदमी मेरे पास आया ना, उसने मेरी साड़ी उतारी। अरे भाई, साड़ी उतार दिया? हाँ साड़ी उतारी। अब वो कारगिल पे जाने की तैयारी कर रहा है, यानी साड़ी उतारी? हाँ साड़ी उतारी। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ। बार बार कुछ नहीं, कुछ हुआ होगा? नहीं हुआ। ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ। हुआ होगा मियाँ जी? हाँ हुआ था। क्या हुआ था? जब मेरा आदमी मेरे पास आया ना, उसने मेरे पेटी कोट उतारा। अरे भाई हो, पहलवान अखाड़े पे जाने की तैयारी कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ। अरे नहीं हुआ। नहीं ऐसे नहीं मान सकता, कुछ हुआ होगा मियाँ जी। हुआ था। क्या हुआ? इधर आइए बताती हूँ। जब साड़ी उतारी फिर क्या हुआ? जब मेरा आदमी मेरे पास आया, मेरी साड़ी उतारी, फिर उसने अपना शर्ट उतारा। अरे भाई, सलमान खान अब पिक्चर बनाने जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हुआ था? नहीं हुआ। कैसे कुछ नहीं हुआ? अरे नहीं हुआ। नहीं हुआ था। उसके आगे क्या हुआ? हुआ था। क्या हुआ? फिर मेरा आदमी ने अपनी पैंट उतारी। पैंट? हाँ। ओह माय गॉड, पहलवान लंगोटा कस रहा है। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ। कुछ हुआ होगा? अरे नहीं हुआ। हुआ होगा? हुआ था। क्या हुआ? फिर उन्होंने ना मेरे कपड़े अपने कपड़े उठाकर एक खूंटी पे टांग दिया। उन्होंने टांगा था कि तुमने टांगा था? उन्होंने टांगा था, लेकिन हुआ ऐसा कि वो खूंटी टूट गई। खूंटी कमजोर रही होगी, वजन ज्यादा रहा होगा, इसीलिए खूंटी टूट गई होगी। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ? बताओ क्या हुआ? क्या हुआ? वो रात भर खिली खूंटी ठोक रहा था। वो रात भर ठोकता रहा और तुम ठोकवाती रही। ऐसे कुछ नहीं हुआ।
आप बताइए क्या होना चाहिए। वो गाना सुनाओ, रात वाली सुहाग रात वाली बात यार। तुमको सुहाग रात में ज्यादा मजा आता है क्या? वही के फायदा है। अगर तुम हमारे साथ में बदतमीजी करोगे ना तो प्रिंस शर्मा से मरवाऊंगी। हाँ भैया बैठ, ये अब आपसे मरवाएगी, ये हमसे नहीं फायदा पाएगी। बिल्कुल मरवाऊंगी। पुनीत शर्मा जी से मरवाऊंगी? हाँ बिल्कुल मरवाऊंगी। गंगा कैसेट के मालिक साहब से मरवाऊंगी? हाँ मालिक से तुमको मरवाऊंगी। ठीक है, सामान तुम्हारा, चाहे हमसे मरवाओ चाहे उनसे मरवाओ, फायदा उन्हें। अरे बदतमीजी नहीं कह रही हूँ, अगर तुम मेरे साथ में बदतमीजी करोगे तो उनसे मरवाऊंगी। तो हम भी वही कह रहे हैं कि अगर बदतमीजी करेंगे तो तुम पुनीत शर्मा जी से मरवाओगी। क्या हम तुमसे बात नहीं करेंगे? हमसे बात ना करो, पुनीत शर्मा गंगा कैसेट के मालिक। ये क्या बदतमीजी है? हाथ लगाओ, दियो पैसा लियो, फ्री में नहीं आयो। ए मियां, उनसे मेरी शादी करा दो ना। शादी? हाँ। शादी वाला हम लोग सिस्टम नहीं पालते। तो कौन सा सिस्टम करते हैं? हम लोग इधर उधर काम चलाते रहते हैं। तो फिर तुम कोई काम के नहीं, चलो चलिए। और जब मैं आई सुहाग वाली रात रे, उसने चुम्मा से किया शुरुआत रे। जब मैं आई सुहाग वाली रात रे, उसने चुम्मा से किया शुरुआत। पहले घुंघटा उठाया, फिर बेड पे सुलाए, और कमर में दर्द दिया, रत दिया बुता के पिया। अच्छा, मेहरारुवन से मुहे मुहे नहीं जी, तुरंत गियर बदल देता हूँ। अच्छा, तो ये बैलनवा गियर है। अच्छा, डाका डाल दिया पहली मुलाकात में, कैसा कैसा खेल हुआ आधी आधी रात में, कैसा कैसा खेल हुआ आधी आधी रात। बाबा सिर है गारे। क्यों रे हरामजादे, मेरे बाबा सिर है? तो हिन तो बैठ के ऐसे ऐसे करा था मो भैया बाबा सिर वाले, यही तरह अंधेरे में मेरी पप्पा जाए के बैठ के कहा कहा थी, रत दिया बुझा के पिया क्या क्या किया रत दिया। क्यों रे बदतमीज, हम मेरे बाबा सिर है वो भैया बाबा सिर वाले, यही तरह अंधेरे में जाए के रत मेरी पपाई जा रत दिया बुझा के पी। अरे पागल, बाबा सिर नहीं है, गाने का एक्शन है। गाना का एक्शन है, हम कहीं किरवा का आचा थी। टाका डाल दिया ना छुओ, ये दूरदर्शन है। क्यों? एका दूर से दर्शन करो। अच्छा, एका ना छुओ, आजकल सोए रहा, अगर जाग गया आजकल तुम्हार तुमका जिंदा ही निकल जाए। टाका डाल दिया पहली मुलाकात में, कैसा कैसा खेल हुआ आधी आधी रात में, कैसा कैसा खेल हुआ आधी आधी रात में। उसने उंगली दबाई, मैं बहुत छटपट आई, दबाई मैं बहुत छटपट आई, मुझे रात में न सोने दिया, रत दिया बुता।
उसने चुम्मे से किया शुरुआत, पहले घूंघटा उठाया फिर बेड पे सुलाया और कामर में दर्द दिया। हमारे पीछे नहीं आना। डोंट टच माय बॉडी। हाँ, एक बात जान लीजिए। क्या? हाथे मारे बर्दाश्त है। अच्छा, गोले मारे बर्दाश्त है। हाँ? रोजी रोटी मारे बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो क्यों? रोजी रोटी खिलवाड़ नहीं। रति दिया बुता के पिया क्या क्या किया, रति दिया। या भगवान, आज मेरी मिया जी की लगता है चिट्ठी आई है और मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं इसे पढ़ूंगी कैसे? जाती हूँ किसी पढ़े लिखे इंसान को तलाश करती हूँ, अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान मिलेगा तो मैं उससे ये चिट्ठी पढ़ाऊंगी। हाँ, मैं जाती हूँ उस आदमी की तलाश करती हूँ। ओए! मुझे लगता है इंसान बहुत ही पढ़ा लिखा हुआ है, इसी से चिट्ठी पढ़ाती हूँ। ओए! अभी मैं बिजी। ओए भाई साहब, अभी मैं बिजी हूँ यार, परेशान मत करो। सुनिए तो जरा। क्या यार, आवाज बढ़िया है, सामान पता नहीं कैसा हो, क्या बात है? अरे यहाँ तो आइए, जेके गरज हो हमारे पास आइए। गरज तो मेरी ही है, मुझे ही जाना पड़ेगा। बात ये है आ? कि मेरे मियाँ जी की चिट्ठी आई है आ? और मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। पढ़ी लिखी नहीं हो? हाँ, तो मैं इसीलिए आप हमको लगता है बहुत ही पढ़े लिखे हुए इंसान हम है। हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हिंदुस्तान में कोई है नहीं ना, इसीलिए मैं आपको ये चिट्ठी। आई एम हाई स्कूल पास हूँ। हाँ, और क्या, पढ़े लिखे इंसान हूँ, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे कोई नहीं है। तो मेरी ले लो। तुम्हारी ले लूँ? हाँ, लाओ हमको दे दो। लो, कहाँ से आई है? चिट्ठी पढ़ना है? हाँ पढ़िए। पढ़े लिखे इंसान हूँ यार। हाँ दिखते हो। तुम्हारे सैया जी भेजे हैं। हाँ। तुम्हारी शादी हो गई है? हाँ हमारी शादी हो गई है। तब तो यार जुगाड़ लगाना बेकार है, हैं? शादी हो गई है? हाँ शादी हो गई। ठीक है, पढ़ाना चाहती हूँ चिट्ठी, क्यों? हाँ पढ़िए। ठीक है, पढ़ता हूँ यार। पढ़िए। ला 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 ला। ए! तुम चिट्ठी पढ़ रहे हो या गाना गा रहे हो? गाना नहीं गा रहे यार, पाई मांत्रा मिला रहे, बिना पाई मांत्रा कैसे कैसे पढ़ देंगे? ओ पढ़िए। पढ़ रहे हैं, चिंता क्यों करती हूँ? बहुत अच्छी राइटिंग में लिखा है भाई। हाँ मेरी मियाँ जी ने लिखा है ना। तुम्हारे मियाँ जी का लिखा हुआ है? हाँ इसीलिए अच्छा है। तुम्हारे मियाँ जी कहाँ है? मेरी मियाँ जी लखनऊ में है। लखनऊ में? हाँ। कब गए हैं? काफी दिन हो गए। काफी दिन से ऐसे घूम रहे हो? हाँ। मामला सेटलमेंट पर जा रहा, लाइन क्लियर है। तुम्हारे मियाँ जी पढ़े तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजे हैं? हाँ। काफी दिन से बाहर गए हैं। बाहर हैं, आज चिट्ठी भेजे हैं। लखनऊ में रहते हैं? हाँ। ठीक है, तुम्हारा चिट्ठी मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ा लिखा हूँ यार, हमसे ज्यादा बहुत पढ़ा लिखा। अरे पढ़िए कि आप भाषण दे रहे हैं। पढ़ रहा हूँ यार। वाह भाई, बहुत राइटिंग बढ़िया लिखी है। वाह, पढ़े लिखे बहुत सही है, तुम्हारे पति देव ने बहुत सही लिखा है। अरे पढ़िए। हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, पहले मिलावट दियो, ऐसे कैसे पढ़ देंगे यार। पढ़िए। पढ़ रहे हैं। मेरी मियाँ जी ने क्या लिखा है? बहुत अच्छा लिखा है यार। क्या लिखा है? अरे अच्छा लिखा है, एकदम ब्यूटीफुल लिखते हैं तुम्हारे मियाँ जी। ओ मेरी मियाँ है। हाँ तुम्हारे मियाँ हैं, ऊपर देखो नीचे देखो। नीचे नहीं लिखा हुआ, ऊपर ही लिखा हुआ। हाँ बहुत सही लिखा है। हाँ पढ़िए ना। देवी जी क्या हुआ? पागल क्या हुआ? अरे मायो, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे रामो, बड़ा गजब हो गया। या भगवान, कोई ऊंच नीच तो नहीं हो गया? बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? दरअसल बात यह है कि मैं भी पढ़ा लिखा नहीं। जब तू पढ़ा लिखा नहीं था तो
मेरी क्यों ले लिया? तुमने दिया हमने ले लिया। लेकिन मैं इसकी सजा तुझको दूंगी। कैसी सजा? हाँ सजा दूंगी। कैसी सजा दोगी? मैं तुमसे जो गाना मैं गाऊंगी उस गाना का उत्तर देना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तुम्हारे गाने का मैं उत्तर दूंगा यार। अगर नहीं दोगे ना तो यही पर कचर कर मारूंगी। ठीक है, मारे हो तुम, हम मरवा लूंगा। चलो ठीक है, तैयार हो जाओ। तैयार है। और सोच लो, हम सोचे हैं। और नहीं पुनीत शर्मा से इतने डंडे मरवाऊंगी ना कि दिमाग ठंडा हो जाएगा। जलवा है भाई, चाहे पुनीत शर्मा से मरवाओ चाहे गुड्डू भाई से मरवाओ। गाना सुनाइए। सुनिए। और इसकी और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। गाने बजाओ आप तो। होली में गुलाल का, होली में गुलाल का मजा लीजिए, लड़की खड़ी है सजा दीजिए। से उत्तर दो, कचर कर मारेंगे बेटा। हाँ फिर बेटा कहो, समझ लो। कितने लड़का है तुम्हारे? मेरे? हाँ हमारे 22 बच्चे हैं। ओ माय गॉड, 22 बच्चे हैं। और क्या, अगर 22 बच्चे तुम्हारे होते तुम्हारी ये कंडीशन नहीं होती। तो कैसी होती? तुम्हारी बुढ़ापे की अवस्था होती, ट्रैक्टर की टाली की तरह डगमगाती होती। अच्छा बताओ, तुम्हारे 22 बच्चे हैं? हाँ बिल्कुल। तुम्हारे इलाके में सरकारी अस्पताल नहीं है क्या? है। तो डॉक्टर को पता नहीं चला होगा। क्यों? वरना असलाह लेकर आता, तुमको चीड़ फाड़ के रख देता। ओ नो। क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि बीबी रखो टीप टॉप, दो के बाद फुल स्टॉप। तुमने 22 बच्चे पैदा कर दिया है। हाँ बिल्कुल। ये बताओ तुम्हारे 22 बच्चे हैं? हाँ बिल्कुल। पहला बच्चा तुम्हारा कितना बड़ा है? बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। हमारे जैसा? और क्या। माफ कीजिए, अगर हमारे जैसा तुम्हारा बच्चा होता तुम्हारी ये कंडीशन नहीं होती। तो कैसी होती? ट्रैक्टर की टाली की तरह डगमगाती होती, तुम्हारी बुढ़ापे की अवस्था होती, तुम्हारे दरवाजे के सामने हमारा दरवाजा होता। हाँ? तुम अपने दरवाजे के सामने बैठी होती। हाँ? हमसे कहती जानती हो क्या? क्या कहती? हमसे कहती ही आओ। हाँ? ही आओ। अच्छा? हम जानते हो क्या कहते? क्या कहते? ओ फुर्सत नहीं है। अच्छा? जब तुम गांव से निकलती तो वे बच्चे क्या कहते? क्या कहते? हट जाओ, बूढ़ा दादी जा रही है। हाँ। जब हम निकलते तो हट जाओ दारा सिंह। तारा सिंह की औलाद उधर ही रहना, पहले मेरे गाने का उत्तर दो तब छोड़ूंगी। यार हूँ यार। चलो बोलिए। और तुम तो ठहर परदेसी, तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे? तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे? ए! और तुम तो बहुत हो छोटी। मैं छोटी दिख रही हूँ? अच्छा? हमार पलीता ना आँख पर हो, दही देव तो आँखी तिनमिन हो जाए हो। तुम्हारे जैसे आते हैं और नाश्ता करके चले जाते हैं बेटा। हाँ वही कंडीशन गहन हो। जब तक दो चार दिन का नाश्ता ना करे हो चैन कहाँ तोरे पड़े? जानते हो तभी बात करते हो। तुम तो हो बहुत छोटी और लोड क्या उठाओगी? तुम तो हो कल सामान मेरा क्या? सामान देख रही हो, एक से एक सामान, टोपी लियो, अंगूठा लियो, जूता लियो, पैंट लियो, चश्मा लियो, चश्मा लियो। देख कर सामान मेरा, घर को भाग जाओगी। तुम तो हो बहुत छोटी। ए! मैंने देखा, इसने देखा, इसने देखा, उसने देखा, सबने देखा। क्या देखा? सबने देखा। क्या देखा? क्या देखा? क्या देखा? बता दूं क्या? एक दुश्मन 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 जो दोस्तों से भी प्यारा है। एक दुश्मन
अच्छा तुम नहीं समझो, ये क्या? पहले समझ लियो क्या पेले, ये पेले पेला क्या है? वही तो अंदर की बात है, तुम्हें समझोगी। समझाओ। हम भी पेले तुम भी पेलो, ये भी पेले वो भी पेले सब पेले। अच्छा क्या पेले? क्या पेले? दंड बैठक जो दारा सिंह को भी प्यारा। हम भी रगड़े तुम भी रगड़ो। क्या? हम भी रगड़े तुम भी रगड़ो, ये भी रगड़े वो भी रगड़े सब रगड़े। मौका पाए जाए बुढ़ा वो रगड़े। अच्छा क्या रगड़े? क्या रगड़े? लक्ष्य साबुन जो से हद का सहारा। ए लक्ष्य साबुन, अभी मैं हार नहीं मानने वाली बेटा। अबे हम ही कहा हार मानूंगा। अच्छा हाँ। अरे गोरी गोरी गोरिया, अच्छा गोरी गोरी गोरिया, बाली बहु मिरिया, चले लड़का मरिया हिला के। हिलाओ, हम बिनीत है आम मार। मैं शादी शुदा हूँ, समझे? शादी शुदा में फायदा है, कोनो केस नहीं लागेगा। गोरी गोरी गोरिया बाली बहु मिरिया, गोरी गोरी गोरिया बाली बहु मिरिया, चले लका मरिया हिला के। आँख मारे बाबूनी धसा के, आँख मारे बाबूनी धसा के। ए एक ठुकु कुरिया 25 ठुकु कुरवा, एक ठुकु कुरिया 25 ठुकु कुरवा, चले लगे है का पिछुआ के। क्यों रे, मैं तुझको कुतिया दिखाई देती हूँ क्या? तुमको कुतिया कहूँ, कुतिया के तौहीन होगी, तुम तो और डेंजर खतरनाक। एक ठुको कुरिया 25 ठुको कोरवा, चले लागे है का पिछुआ के। अच्छा हाँ। अम्मू तुम्हारे टंगिया उठा के, अम्मू तुम्हारे टंगिया। कुत्ते की जड़ हो क्या टांग उठाते हो? हम खानदानी कुत्ते हैं। ये हमारा सामान पकड़ो हा? और चलिए, कुछ कहते हुए चलते हैं घर। कहो नहीं, मेरा मियाँ बहुत मारेगा। हा। यार एक चीज ये बताइए। क्या बताऊँ? तुम्हारी शादी हो गई हा? तुम हिंदुस्तान की रहने वाली हो। हाँ बिल्कुल। एक चीज हमारे समझ में नहीं आ रहा, वो क्या है? सारी हिंदुस्तान की औरतें जितनी भी हैं हाँ? शादी होने के बाद अपने मांग में लाल सिंदूर लगाती हैं हाँ? और तुम हरा सिंदूर क्यों लगाती हो, ये बताओ? अब लो, सारी औरतें लाल सिंदूर लगाती हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने में हमने देखा है हाँ? सारी औरतें लाल सिंदूर लगाती हैं, तुम हरा क्यों लगाती हो? इसका कारण है मियाँ जी। कौन सा कारण है? इसका रहस्य ये है हाँ? कि मैं हरा सिंदूर क्यों लगाती हूँ? क्यों लगाती हो सब? मैं हरा सिंदूर इसलिए लगाती हूँ हाँ? कि मेरे मियाँ यानी कि मेरे पति यानी तुम्हार भतार, तुम्हार दूल्हा, मेरे दूल्हे राजा हाँ, राजा वो असल बात, वो रेल ड्राइवर है हाँ। तो मैं इसीलिए हरा सिंदूर लगाती हूँ हाँ? कि जब वो रेल गाड़ी लेकर आते हैं हाँ? मेरा ये मांग का सिंदूर हरा देखकर वो सीधे चले जाते हैं, यानी सिग्नल क्लियर रहता है हाँ। और लाल रहा था तो, और जब लाल में भरती हूँ हाँ? तो मेरे मियाँ जब आता है हाँ? तो देखकर ही मुझे खड़ा हो जाता है। ओ, वो जाता ही नहीं। यानी लाल सिंदूर इसलिए नहीं लगाती कि तुम्हारे मियाँ जी खड़े हो जाएंगे हाँ, जाएंगे नहीं। और मान लियो हरा लगाओ तो वो सीधे चले जाते हैं। बहुत सही, यानी वो चले जाए तो दूसरे से मामला तुम्हारे फिट रहा। मतलब तुम अपने पति को चाहती हो वो सीधा रेल से चले जाए? मैं ये नहीं कहती हूँ, यानी कि वो सिग्नल बराबर पाता पैर करते हैं ना। अच्छा तुम्हारे पति देव, तुम्हारे पति यानी पति परमेश्वर हाँ। रेलगाड़ी चलाते हैं मेरे स्वामी जी। ये बताइए हाँ। तुम्हारे पति जी अगर तुमका रेल दिए तो तुम कहाँ जाओ? अगर मेरे पति जी मुझको रेल देना हाँ? तो मैं यहाँ से राबड़ी चली जाऊंगी। ओ माई गॉड, अगर तुम्हारे पति तुमका रेल दिए तो राय बरेली चली जाओ। हाँ डाक भी जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम्हारे पति अब की आए तो कहते हैं रेल दियो या राय बरेली चली जाओ। चलिए आओ, कुछ मनोरंजन हो जाए फिर चलेंगे।
और जब से नए ना लड़े बाते आगे बढ़े, जब से नए ना लड़ रहे हैं तुमसे, नए ना लड़ रहे हैं हमारे तुम्हारे नए लड़ रहे हैं। चलो शक्ल देखी है क्यों? अरे कहाँ मेरा मियाँ, मेरा भतार और कहाँ तुम? शक्ल में क्या कमी है? क्या कमी है? कोई कमी नहीं है, बढ़िया। अप टू डेट आई एम सलमान खान। सलमान खान नहीं, तुम एक चीज हो सकते हो। क्या? तुम कादर खान हो सकते हो। कादर खान हमारे भाई हैं। ए मियाँ, जब से नए ना लड़े बाते आगे बढ़े, रोजी किया रहेला इंतजार में, दिल भाई दीवाना तोरा प्यार में, दिल भाई दीवाना तोरा प्यार में। क्या ढूंढ रहे हो? ये बताओ, आज तुमने अंडा नहीं दिया यार। हम अंडा देते हैं? हम मुर्गी हैं क्या? बैठी तो कुलुक बैठी तो रहे। अरे आराम जाते, तू जब भी बोलेगा अंडा बंडे ही बोलेगा। वही खाने पैदे भाई हैं। करी ले सुकुरिया हम, ओहो भगवान के, तोहके बनूले बड़े पवन माटी शान से। क्या देख रहे हो? देख रहे हैं कि मुनछवा कहाँ छुपा हुआ है। करी ले सुकुरिया हम, ओहो भगवान के, तोहके बनौले बाड़े पावन माटी शान से। मियाँ जी के लिए भी कुछ कह दें। कह दियो भाई। जो बहुत दूर से मेरे लिए चिट्ठी भेजे हैं। चिट्ठी भेजे हैं? हाँ। कह दियो भाई। आई गए सैया जी के पतिया, पतिया पतिया। हाँ हाँ हाँ। आई गए सैया जी के पतिया, सुना साखी बतिया, जाना होए है पियावा के देश साखी रे बड़ी देरी भाई।
हाँ जी क्या आइए आ गए मेरी दोस्त हैं बदतमीजी हाथ नहीं लगाने दे रही है नहीं हाथ लगाने देंगे ये बताओ तुम अपने आप को समझती क्या हो यार मैं हाथ नहीं लगाने दे रही हूँ हाँ मैं अपने आप को समझती क्या हूँ हाँ मैं ही नहीं हाँ ये जितनी हमारी बहनें बैठी हैं हाँ हम लोग अपने आप को नारी शक्ति समझती नारी शक्ति और क्या अगर मैडम तुम अपने आप को नारी शक्ति समझती हो तो हम लोग अपने आप को नारा सच्चा समझते हैं लेकिन एक बात और जान लीजिए नारी शक्ति के बिना आप कुछ भी नहीं हैं और नारा सक्ता के बिना आप भी कुछ नहीं है अगर नारा सकता नहीं होगी तो इतनी बड़ी दुकान सजाए घूमो कोई खरीदने वाला नहीं होगा पहले हमें यह बताइए पहले दुकान लगेगी कि ग्राहक बनेंगे जब ग्राहक ही नहीं होंगे तो दुकान का सौदा कौन खरीदेगा सुनिएगा पहले ग्राहक नहीं बनेंगे दुकान जब अच्छी होगी दुकान तो अच्छी है यार दुकान अच्छी है ग्राहक गड़बड़ है पहले मेरी बात पे ध्यान दो तुम्हारी बात पे ध्यान जब दुकान अच्छी होगी सौदा बिकेगा तो तभी तो कस्टमर आएंगे लेकिन ये कहाँ भूल रही हो जब गांव ही नहीं होगा गांव के लोग ही नहीं होंगे तुम अपनी दुकान सजाए घूमो कोई खरीदारी नहीं होगी लेकिन वहाँ सामान धरे धरे सर जाए कोई एक रुपया के ना खरीद ए मिया अगर नारी नहीं होती अगर नारी नहीं होती तो ये लोग नहीं होते और अगर नारा नहीं होते तो तुम नहीं होती क्या बात कर रहे हो सावधान हो जाओ पहले मेरे बात का जवाब दो तब बात का तुम्हारे जवाब देते हैं औरत माने कुछ नहीं यार मैं मैं औरत का पांच काम करूं तुम औरत का पांच काम कर लेती हो और क्या मैं भी कर लूंगा तुम नहीं कर पाओगे कर लूंगा करवा के देखो हिम्मत बांध के देखो नहीं कर पाओगे कर लूंगा शर्त बताइए तुम अगर अगर नहीं कर पाओगे ना तो हमारे पाँव में नाक रगड़नी पड़ेगी यानी अगर तुम्हारा औरत वाला काम हम नहीं कर पाए तो तुम्हारे पाँव पे हमें नाक रगड़ना पड़ेगा नाक रगड़ना पड़ेगा और अगर कर दिया तो इसी मंच पे हम तुम्हें रगड़ कर बहाएंगे पहले जवाब दो कौन ऐसा काम है जो औरत का मर्द नहीं कर सकते करोगे चलो आइए कौन काम है एक एक दो दो तीन तीन चार चार पाँच एक नहीं देखा यार क्या फिर से करो यार मजे मत लो मजे नहीं ले रहे यार फिर से करो एक एक दो दो तीन तीन चार चार पाँच धन है प्रभु खुश रहो अरे हम तुझको नहीं कर रहे यार हम प्रभु को कर रहे हैं तू साली हमको खुश कर रही है आप लोग गिनती जाओ हाँ जितने जितने लुगाइयों का काम हो वैसे गिनती जाओ आप लोग मर्द भाइयों गिनते जाओ गंगा कैसेट वाले आप भी गिनते जाओ कितने काम करती है औरत होकर मैं भी आपको एक एक चीज का हिसाब दूंगा कि मर्द क्या कर सकते हैं दूसरा काम एक दो दो तीन तीन चार चार पाँच ये औरतों का काम है मर्द नहीं करेंगे गए काम से नहीं गया अभी बताता हूँ तुमको अच्छा लगे तो चलो तीसरा काम एक एक दो दो तीन तीन चार अरे ये काम तुम्हारा हमारा नहीं है क्या ये काम औरतें निहुरने का ज्यादा करती हैं कोई भी काम हो खेत में धान लगाना हो निहुर के लगाएंगी अगर बेल उचारना है निहुर के उचारेंगी हर काम औरतें निहुर के करती हैं साफ साफ कह दो कि नहीं कर पाओगे करूंगा यार जीतने के लिए तो यार कुछ भी कर सकता हूँ अच्छा तो आ जाइए चार है ना तीन चार पाँच छत तकनीकी खराब होने के कारण ये कार्य संभव नहीं हो पाया ये कह दो कि नहीं कर पाओगे कर पाऊंगा यार नहीं कर पाओगे थोड़ा ऊंच खाल है यार देखो मैं कैसे करती हूँ कैसे ये औजार नहीं है यार रुक जा एक मिनट का समय दे दे मैं भी करके दिखाऊंगा नहीं कर पाओगे कितने भी औजार ले लो कुछ नहीं कर पाओगे करके दिखाऊंगा यार नहीं कर पाओगे रुक जा कैसे अब बता मेरा भी बन जाए यो अरे ये हो गया ये क्या है देखो एक तरफ ऊंच है एक तरफ खाल है हमारा फिर भी गड़बड़ है चल अच्छा तीन काम हो गए चार तीन काम हो गए है ना तीन काम हो गए चौथा लो गिनती गिनते रह रहे आप लोग भी एक एक दो दो तीन तीन चार मजे में यार पाँच टेक दिया
टेक दिया, बुड्ढा हो गया, बुड्ढा हो गया तेरा बाप, इंजन सीज हो गया, इंजन सीज नहीं अभी नया रिंग पिस्टन है यार, खेला खत्म नहीं आ रहा। आप लोग गिनती जाओ, चार औरतों का चार काम हो गया, गिनती जाओ, गिनते पांचवा सुनो, पांचवा मैं रोटी बना लूं, रोटी मैं भी बना लूं, मैं मिर्चा बांट दूं, मैं भी मिर्चा काट लूं, मैं मिर्चा लगा दूं, मैं भी मिर्चा लगा दूं, मैं घास काट लूं, मैं भी घास काट लूं, इसको खिला दूं, मैं भी खिला दूं, मैं दूध गार लूं, मैं भी दूध गार लूं, आटा बना लूं, मैं भी मोटा बना लूं, छाछ बना लूं, मैं भी छाछ बना लूं, मैं गन्ने नवा दूं, मैं भी मैं छोरी छोरा नवा दूं, मैं भी छोरी छोरा नवा दूं, छोरी छोरा पैदा कर दूं, मैं भी छोरी छोरा पैदा कर दूं। कर लो कोशिश, कर लो, एक बार किया था दोबारा की हिम्मत नहीं पड़ रही यार। तुम पांच काम कर लेती मैं हो, मैं बड़ी, तुम बड़ी, मैं बड़ी, तुम बड़ी नहीं मैं बड़ा, तुम कैसे बड़े, तुम कुछ भी नहीं। पांच काम औरतें करती हैं, मर्द छह काम करके दिखाएगा। कौन सा काम करो, गिनती जाओ। बोलो दोस्तों, गंगा कैसेट वाले पुनीत भैया आप भी ध्यान दीजिए, मर्द छह काम करके दिखाएंगे जो औरत। आप लोग मेरी तरफ ही बोलना औरतों, चलिए करिए, देखती हूँ क्या नहीं कर सकती। चलिए बोलिए, वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव रगड़ हाय गई, एक माइनस कर दो भैया। अरे नकली है, नकली नकली नहीं असली है, तो के देखो, वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव। गर्मी बहुत ज्यादा है यार, खार 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 खार, एक और माइनस कर दीजिए, कितने हुए, दो, गिनती रहो दो, हाँ। तीसरो लीजिए, वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्स सिक्स। वहाँ कहाँ ले जा रही, इधर देख यार, सिक्स सिक्स सेवन सेवन एट एट नाइन टेन। बड़ी गर्मी है यार, क्या बताए यार भाई जान, बड़ी गर्मी है, तालियां बजाओ यार, तालियां बजाइए। कर कितने हुए, चार, चार हो गए, गिनती रहो मैडम, तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा, चार हुए, हाँ, पांचवा ले, पांचवा, वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव। देखना देखना देखना, नहीं दुकान खराब हो जाएगी, तेरे बस का नहीं है। पांच हुए, पांच हुए, हम लोग बराबर हो गए, तालियां बजाइए, बराबर हो गए। अब एक काम और तुझसे ज्यादा करूंगा, क्या, वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्स सिक्स सेवन सेवन लेट जा एट एट। भगवान करे इसी तरह हमेशा इसके साथ लेटा रहूं यार। देख नाइन नाइन टेन टेन घूम जा, घूमी, हाँ, अलेवन एन अलेवन अलेवन टोयल टोयल थर्टी थर्टी कर कर कर, हार गई, छह काम मर्द का हो गए, हार गई, चल मेरे साथ है? मर्द औरत से कभी हार नहीं सकता, आज के बाद किसी मर्द से पंगा नहीं लेना मैडम। तुम मर्द हो, मर्द नहीं हो, क्यों ना, अजमा के देखो, अभी छह काम मैंने बताया, अजमा लिया मैंने, चलिए ए मियां, लीजिए, चलते चलते कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना है, जो नजर चुराते हैं क्या नजर मिलाएंगे, क्या नजर मिलाएंगे, अरे जो नजर चुराते हैं क्या नजर मिलाएंगे, जो नजर चुराते हैं क्या नजर मिलाएंगे, दिल को तोड़ने वाले क्या गले लगाएंगे। ए, हे, हे। यार एक बात याद आ गई, क्या, गांव घर में जब नौटंकी का प्रोग्राम होता है, हा? बड़े बड़े लोग 10-20 हजार खर्च कर देते हैं शादी विवाह में, मान लीजिए गरीब आदमी है
पैसा नहीं रहता तो 2-4 हजार रहता है, कम रहता है हाँ? तो अपने गांव देहात में पतुरिया का नाच होता है हाँ? पतुरिया के जानती हो? हाँ नहीं, मैं नहीं जानती। बारात वगैरह में होता है, ज्यादा आदमी नहीं लगते, 3 आदमी एक जने बैठ गए, रिपो रिपो वाले। ये रिपो रिपो क्या है? वो जो हारमोनिया। अच्छा, हारमोनियम हाँ। जो कमलेश मास्टर बजा रहे हैं। एक जने घचक घचक वाले हो जाते, घंचक घंचक वाले, एक जने चिन्निक चिन्निक हो जाते। तो 3 आदमी ये हो गए, एक पसुरिया हो जाती है। बारात वगैरह में अक्सर करके जो है प्रोग्राम करते हैं, चारों तरफ बासी बैठ जाते हैं, बीच में पतुरिया हो गई और अगल बगल साज वाले हो गए, हो गए चारों तरफ बराती हो गई हाँ? और उसके बाद एक जगह गाना हो रहा था यार। क्या गाना? पतुरिया का गाना हो रहा था हाँ? और अचानक पतुरिया को पेशाब लग गई। पेशाब लग गई? पेशाब लग गई। उसने सोचा कि अब हम कैसे पेशाब करने जाए, गाना बराबर चल रहा था हाँ हाँ? और साज वाले बीच में बैठे, अगल बगल बराती जाए तो कहाँ जाए हाँ, कहाँ जाए? तो गाने में क्या कहती है, अरे अपने दीवाने का, दीवाने का हा? अपने दीवाने का, अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे की मोती लगी, मोती लगी। क्या लगी? लोग समझ रहे हैं कि गाना हो रहा है हाँ। लेकिन वो कलाकार थी, गाने में ही अपना भाव अपने बाजा वाले से बता रही है। बता दी रही। कैसे बता रही है? कैसे बता रही है? अरे अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल रे की मोती लगी, मोती लगी, मोती लगी, मोती लगी है। अब बाजा वाला समझ गया कि हमारे कलाकार को मोती लगी है, पेशाब लगी है, पेशाब लगी है हाँ। तो बाजा वाला उसी स्वर में क्या उससे कह रहा है? क्या? अरे अपने दीवाने को कस के संभाल रे की बूंद बूंद टपका। क्या? धीरे धीरे बूंद बूंद खाली इकट्ठा करिए, जाहिर हो जाए बूंद बूंद। हाँ, अच्छा, आगे बोलिए। अपने दीवाने को कस के संभाल रे की बूंद बूंद टपका, की बूंद बूंद टपका हाँ? लड़की कमाल रे की अखियों से गोली मारे, लड़की कमाल। इधर आइए। आपने गाना गाया नहीं हाँ? आपने मेरे ऊपर गाना छोड़ दिया हाँ? क्यों? लेकिन ए जी, आजी? एक सवाल करेंगे हम आपसे। कैसा सवाल? सवाल में हमारे बहुत बड़ा बवाल है। कैसा बवाल? बोलिए। ए मियाँ, ये बताइए, मैं लेटी थी वो लेटा था, कौन वो हराम खोर था जो तुम्हारे साथ लेटा था? मेरा मियाँ बहुत मारेगा तुमको। मारे तो मरवा ले भाई। ए, मैं लेटी थी वो लेटा था। तुम लेटी थी वो साला दोखी लेटा था। ए, मतलब वो तुम्हारे साथ लेटा था। होश में बात कीजिए, नहीं दांत तोड़ देंगे। होश कहाँ यार, ऐसा पहनाओ पहने के ऐसे बेहोश है यार। तो मर जाओ, देख रहे हैं वो भी बेहोश हो जाएंगे। नहीं, कोई नहीं होगा, सिर्फ तुम ही होगे। हे मियाँ, मैं लेटी थी वो लेटा था, मैं नीचे थी वो ऊपर था, और मैं देती थी वो लेता था। बताइए। बवाल बनाए देश, यानी तुम लेटी थी वो लेटा था, तुम नीचे थी वो ऊपर था, तुम देती थी वो लेता। हाँ, लेता था। मामला अंडबंड है। अंडबंड नहीं है, रास्ता नरक कुंड का जा रहा है। बताइए। तुम लेटी थी वो लेटा था हाँ? तुम नीचे थी वो ऊपर था, तुम देती थी वो, रास्ता हुए पहुंच रहा है। कहाँ पहुंच रहा? समझ रहे हैं, तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझ गया। क्या? तुम लेटी थी वो लेटा था हाँ? तुम नीचे थी वो ऊपर था, तुम देती थी वो लेता था हाँ? फर्क इतना था कि तुम माता थी, वो तुम्हारा बेटा था। खुश रहो बेटवा। जियो मेरी का बुझाई। ए मियाँ, अपने आप को बहुत वो लगाते हो क्यों? हमारे सवाल का एक जवाब दे दो तो। वो क्या है? नारी का कौन सा अंग है, नारी का कौन सा अंग जो चिकना होता है? नारी का कौन सा अंग है जो चिकना होता है? तुम्हारा यानी तो कि स्त्री क्या हो? तुम्हारा तो पूरा चिकना है यार। अरे मैं पूछ रही हूँ, स्त्री का कौन सा अंग चिकना होता है? स्त्री का कौन सा अंग चिकना होता हाँ। है? पूरी शरीर चिकन है यार, दाई देव सारा जैसे रसमला आए। बताइए। स्त्री का कौन सा अंग चिकना होता है हाँ? स्त्री का कौन सा अंग चिकना होता है? चिकना होता है वो समझ गए क्या? स्त्री का नीचे वाला अंग चिकना होता है।
क्या तुम देखे हो क्या? क्यों नहीं, कौन सी स्त्री की बात कर रहे हो? कौन सी स्त्री की बात कर रहे हो? मैं, तुम किस स्त्री की बात कर रहे हो? तुम किस स्त्री की बात कर रहे हो? मैं वही प्रेस वाली जो तुम, मैं वही प्रेस वाली की कह रही हूँ। और क्या, उसको नीचे देखिए हमेशा चिकना होता है। हाँ यार तुम सही कहते हो, तो वो गलत कहा है, मारेंगे बहुत तुमको। हाँ अरे जो नजर चुराते हैं क्या नजर मिलाएंगे, जो नजर चुराते हैं क्या नजर मिलाएंगे, दिल को तोड़ने वाले, दिल को तोड़ने वाले क्या गले लगाएंगे, क्या गले लगाएंगे। अरे तोड़ कर मेरे दिल को जा रहे हो तुम ले के, ए मियां बाल केस का समझाए ले हो ना, समझाओ बाप चोर के ना जाए हैं। अरे तोड़ कर मेरे दिल को जा रहे हो तुम, लेकिन जब बहार आएगी, जब बहार आएगी हम ही याद आएंगे, हम ही याद आएंगे। महतारी बाबा क्या बात है, तुम परेशान नजर आ रहे हो। ब्रह्मा का धोई सु विष्णु का धोई
मेरी कबूतरी किस लिए याद किया? ए मिया, मैं तुमसे आज एक सवाल करना चाहती हूँ। सवाल? हाँ। तुम्हारे सवाल में कोई बवाल तो नहीं है? कोई बवाल नहीं है, सिर्फ एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त हमारी ये है, अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब दे दिया तो कोई बात नहीं, अगर नहीं दे पाए ना तो जो नथिया पहन के आई हूँ, नथिया हमें पहनाओगी? लोट पे लाली लगा के आई हूँ, इसको लगवा कर और पहनवा कर गंगा कैसेट मालिक के पास भेज दूंगी, ये जान लो। तब तो उनके जिंदगी सही हो जाए, हमारा उद्घाटन हो जाए लाली देखे। लेकिन जब नहीं दे पाएंगे तब ऐसा होगा। हाँ ठीक है, पूछिए। ये बताइए, ये बताओ, बोलिए। मैं लेटी थी। तुम लेटी थी? वो लेटा था। तुम लेटी थी तो वो लेटा था? हाँ। और मैं देती थी, वो लेता था। अरे भाई हो, यानी तुम लेटी थी वो लेटा था, तुम देती थी वो लेता था। हाँ। और हाँ? और मैं नीचे थी वो ऊपर था। तुम नीचे थी, तुम वो ऊपर था? हाँ बतलाइए यार, इसका मतलब क्या हुआ? बोलिए यार, फंसा दिया बवाल में। तुम देती, तुम लेती थी वो लेता था। हाँ। और तुम देती थी वो लेता था। हाँ। और तुम नीचे थी वो ऊपर था। यार मामला तो हुए का जा रहा है। कहाँ को? बड़ा यार अजीब मंजर में फंसा दिया लड़की बतलाई। ने बवाल मचा दिया, यानी तुम लेती थी वो लेटा था। हाँ। तुम नीचे थी वो ऊपर था, तुम देती थी वो लेता था। जी। इसमें फर्क क्या था? क्या है? एक चीज जान लीजिए। क्या? तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझ गया। क्या मतलब है? तुम लेटी थी वो लेटा था। हाँ? तुम देती थी वो लेता था। जी? तुम नीचे थी वो ऊपर था। हाँ? फर्क इतना था। क्या? कि तुम माता थी और वो बेटा था। सब बस मेरे बेटे, हुआ ना, हाथ लगाओ, नीचे हाथ लगाओ, तब मानसून बने। लेकिन एक शर्त और है यार। क्या? आज मैं गाना गाऊंगी। हाँ? और उन गानों को तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। देंगे यार, तुम टेंशन क्यों लेती हो? ठीक है, बोलिए। तो आइए लाइन पे लग जाइए। ए, अरे तू माटी का गुड्डा, मैं सोने की गुड़िया। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, हाँ, हाँ। अरे तू माटी का गुड्डा और मैं सोने की गुड़िया, लखनऊ से आए हो तो हम दिल्ली गंगा कैसेट से आए हैं। अच्छा? ए, तू लखनऊ की पठिया तो मैं दिल्ली का पट्ठा, तेरा मेरा यार हुआ तो यार बिगड़ गई दुनिया, तेरी छोटी खटिया ऊपर ले चल लुटिया, तेरी छोटी खटिया ऊपर ले चल लुटिया। बहुत सारे सवाल हैं। हम तुम्हारे हर सवाल को हल करेंगे। सुनो, बोलिए। एक डाली पर तोता बोले। तोता? हाँ। तोता तो जहाँ हरेरी पाता है वही मुंह मारता है, हम भी तोता समझो, जहाँ हरेरी। एक डाली पर तोता बोले, एक डाली पर मैना मैना दूर दूर बैठे हैं, फिर भी प्यार से बोलो है ना, बोलो है ना। शादी होगी और दूसरे साल में बच्चा। बच्चा? हाँ, एक पहले साल में शादी हुई, दूसरे साल में फूल ये हो। तो और क्या हे? एक साल में शादी होगी, दूसरे साल में बच्चा। एक साल में शादी होगी, दूसरे साल में बच्चा, तेरा मेरा प्यार अगर हो
एक छोटा एक बोना बोलो है ना, हो बोलो है ना, बोलो है ना, बोलो है ना। तुम नहीं दे पाओगे, हार जाओगे। हारूंगा नहीं। ए अरे बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। वो घर में घुस जाओ, खुला दरबार पाया है। वो घर में घुस जाओ, खुला दरबार पाया है। नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में। फूल नहीं मेरा दिल है, प्रीतम मेरे इसको पढ़ना, प्रीतम मेरे इसको पढ़ना, यही तुम्हारे काबे है। पति को फूल भेजा है। हाँ। और हमारे मेहराब तो बड़ी दामिश है। क्या हुआ? ए हमका बहुत बुरा चीज भेज दिया और बताया दूसरा चीज। क्या भेजा है? क्या भेजा? ए अरमू तुम्हें भेजा है कफ में, मूत नहीं गंगा जल है। हाथ पकड़ा तो तुम्हारे कंगन टूट गए। कंगन टूट गए राजा। हम तो भी आए, हम जब अपने मेहरारू के लाए गए तो पहले दिन लड़ाई हो गई। कैसे हो? भागे जाते रहे रास्ते में। जब आई मिलन की रात, बीबी का पकड़ा हाथ, ऐसे पकड़ा हूँ। जब आई मिलन की रात, बीबी का पकड़ा हाथ, बीबी ने मारा लात कि थुथुन टूट गए, थुथुन टूट गए। भैले हवलदार हो ना दुनिया पे गोली ठा ठा ठा, नथुनी पे गोली मारे। हाँ। तुम्हार नान के नथुनी पे गोली कैसे मारिया? वैसे ही निशाना लगाते थे। निशाना तुम्हारे बढ़िया सिपाही थे। हाँ। कैसे? और जब से सिपाही से भैले हवलदार हो ना दुनिया पे गोली मारे, सैया हमार हो ना दुनिया पे गोली मारे, सैया हमार।
लेकिन यार इस समय जमाना बदल चुका है। वो कैसे? हे, जब से सुपारी से पहले सुपारी कतरी जात रही है। हाँ। हमारे कंपनी के महबूब चचा कंपनी मालिक के भाई बहुत सुपारी कतर के खाते। अच्छा, वो तो रोहिणिया वाले। हाँ, जो अगर हम लोग मांगते हैं तो कहे है पूरा भरे वाला है, है? अब बबुलुआ नहीं देते, उसको नहीं देंगे, वो देंगे कप्तान की पुरवा वाली। कह रहे हैं जब से सुपारी से चली है पुकार हो दुकानिया में घाटा होएगा, दुकानिया में घाटा होएगा, का करे दुकानदार हो दुकानिया में घाटा होएगा। चोली के नीचे का। हाँ, हाँ, जवाब दीजिए। लेकिन चोली के नीचे सद्दाम हुसैन का बम है। ए, लेकिन क्या कहा? कोक 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 चोली के नीचे क्या है? हाँ। ये तो मुर्गा बोलता है। हाँ। लेकिन अगर तोहरे तरफ मुर्गी गर्म आ जात है तो मुर्गी क्या कहती है? क्या? मुर्गे को ढूंढती है जैसे हम मुर्गे हैं। कहना है दरबार मुर्गी को हो रहा हूँ। हमको मुर्गी समझ रहे हो क्या? मुर्गी है और मुर्गा है। लेकिन मैं अंडा देने वाली मुर्गी नहीं हूँ। हाँ, तुम तो यार सोने की अंडा देती हो। वाकई में बड़ी खतरनाक मुर्गी है। कहना है अरे कक 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 दुल्हन को अंदर लाओ बाकी सब बाहर जाओ, दुल्हन को अंदर लाओ बाकी सब बाहर जाओ, इसकी तलाशी लेंगे मेरे सिपाही लेंगे, इसकी तलाशी लेंगे मेरे सिपाही लेंगे, धोखा ये देती थान है सारी को। ए मिया। हाँ? यार तुम जीत गए। हाँ? जीत गए यार। लेकिन और कुछ देखे हो? और एक सवाल है जी। क्या? अरे एक गोटे तार लहंगा देख ली ना, भगवान देख ली ना, जौन कबो नहीं देखा है ओका देख ली ना। अरे क्या देख लिया? हिंदुस्तान का पूरा नक्शा देख लिया। ए, ऊपर हिमालय पर्वत की चढ़ाई है, नीचे बंगाल के खाई है, पूरा सेंटर आउट है, कटोरी अलग, धुरा अलग, छर्रा अलग। कहो कहो। हे गोटेदार लहंगा निकलू जब डाल के, हे गोटेदार लहंगा निकलू जब डाल के, हे गोटेदार लहंगा निकलू जब डाल के, छुरिया चल जाए मेरी, हे छुरिया चल जाए कर रहे हो। और क्या? सबका अपने अपने सामान पर गुमान होता है। तुमका अपने लहंगा पे गुमान है, हमको भी अपने ऊपर गुमान है। किस पे? कहना है क्या? और ये पेंदेदार लोटा, हमारा लोटा देखे हो है? अरे तुम्हारा लोटा मैं क्या जानू? नहीं देखे हो? नहीं। कौन दिन आयो हमका तुमका दिखा दे लोटा? नहीं देखना भी नहीं चाहिए। एकदम पेंदेदार है। कहना है और ये पेंदेदार लोटा लाया भोपाल से, पेंदेदार
है तो रात बाकी है, बात बाकी है। अरे गोरी गोरी गोरिया बाली बहू मेरिया, गोरी गोरी गोरिया बाली बहू मेरिया, चले लगे मियां। का है खुरगुरी पकड़े है का? खजुआ धो तो हमसे रिंग कटल ले लियो। एक बीता के वो दाब दियो सफेद सफेद निकल आवत है, एक दाई लगा लियो रात भर मसाना काटी। ए गोरी गोरी गोरिया बाली बहू मेरी, गोरी गोरी गोरिया बाली बहू मेरी, चले लगे कमरिया हिला के, चले लगे कमरिया हिला के, और आंख मारे बाबूनी धसा के। कुकुरिया 25 ठो कुकुरावा, एक ठो कुकुरिया 25 ठो कुकुरावा, चले लगे है का पिछुआ के। ए, किसको पिछुआ के? जौनी लाइन के जा तो भीषण जने घेरे धात। ए चले लगी इसको पिछुआ के, अमू तुम्हारे टगिया उठा के।